टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। ठाणे जिले में जिस तरह से पिछले दिनों कोरोना मरीजों को लेकर व कोविड अस्पतालों में पैसे ऐंठने को लेकर आवाज उठ रही थी, कहीं ना कहीं वो सच साबित हुआ है। ठाणे मनपा द्वारा चलाए गए कोविड 19 अस्पतालों में जांच का पर्दाफाश हुआ है। अस्पतालों ने कोरोना मरीजों से 30 लाख रुपए से ज़्यादा वसूले हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अस्पतालों द्वारा की गई लाखों रुपए की अतिरिक्त वसूली के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। पूरी खबर गौर से सुनिएगा। ये पैसा किसका है? ये पैसा उन लोगों का है जिन्होंने कोरोना से पीड़ित के परिवार वालों ने जान बचाने के लिए डॉक्टरों के मुंह खोलते ही उन्हें जमा कर दिए थे। दरअसल 10 से 18 जुलाई के बिलों में 27 लाख रुपए की अधिक वसूली का खुलासा हुआ था। वही अब 20 से 25 जुलाई के बीच के बिलों की जांच में 30 लाख रुपए की अधिक वसूली का नया मामला सामने आया है। विभिन्न अस्पतालों के 40 से 48 फीसद आपत्तिजनक पाए गए, यानी मरीज से ज़्यादा पैसा वसूले गए। हालांकि इस बारे में अस्पतालों का कहना है बीमा कंपनी द्वारा उन्हें उनके बिल के हिसाब से नहीं बल्कि उनमें काफ़ी कटौती करके बिल राशि बतौर क्लेम दी गई है। तो फिर कैसे मनपा की जांच में सामने आया, जबकि राशि और मूल रूप से अस्पतालों को मिली राशि में बड़ा अंतर है। ठाणे मनपा में डिक्लेयर किए गए कोरोना हॉस्पिटल में बीमा के तहत भी फॉर्म भरवा लेते थे और कुछ पेशेंट को इसकी पता होता था और कुछ पेशेंट को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। और अस्पताल में मरीजों के परिवार वालों से भी पैसे वसूले, साथ में बीमा कंपनी तो वसूले ही। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसे पैसे वसूले गए, ये सवाल बना हुआ है। मनपा के लेखा परीक्षण विभाग की जांच के बाद अस्पतालों ने मरीजों से ली गई आपत्तिजनक वसूली की राशि वापस देने की शुरुआत की है। मनपा के लेखा परीक्षण विभाग के प्रमुख किरण तायड़े के अनुसार पिछले 5-6 दिन में 4 अस्पतालों ने 36 मरीजों को 1,88,000 रुपये वापस किए हैं। पहले 27 लाख की वसूली का मामला कैसे खुला वो भी हम आपको बताते हैं। कोविड अस्पतालों की मनमानी व पैसे ज़्यादा वसूलने की मनमानी की बार बार मिलती शिकायतों के चलते मनपा के लेखा विभाग की तरफ से अस्पतालों में 10 से 18 जुलाई के दौरान भर्ती मरीजों के 486 बिलों की पड़ताल की गई थी, जिसमें 196 बिलों को लेकर विभाग ने आपत्ति जताई थी, जिसमें खुलासा हुआ 27 लाख रुपए अधिक वसूले गए हैं। ठाणे टीएमसी कमिश्नर विपिन शर्मा ने इसके जवाब मांगे थे सभी अस्पतालों से, लेकिन उनका जवाब समय पर नहीं मिला। यही वजह है कि हॉरिजॉन प्राइम अस्पताल के कोविड दर्जे को ख़त्म कर दिया गया और रजिस्ट्रेशन को 1 माह के लिए रद्द कर दिया गया। हालांकि जांच का सिलसिला ठाणे के टीएमसी के कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा के मार्गदर्शन में चलता रहेगा। आगे जांच की जाएगी और कोरोना मरीजों के नाम पर पैसा वसूलना अब खैर नहीं है, जो नियम है उसी के तहत चलना है, वरना कोविड के और भी अस्पताल पर विपिन शर्मा की नज़र पड़ सकती है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।